आप सभी दर्शकों को बाहुबली परिवार की तरफ से होली एवं रंगपंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को जानकर बहुत हर्ष होगा कि बेगमगंज विकास मंच के तत्वाधान में आयोजित हुए कवि सम्मेलन को हम कड़ी दर कड़ी श्रृंखला के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने जा रहे हैं, जिसमें आज हम आपको लेकर आए सभी कवियों का परिचय और कवियों की झलकियां। सम्मान में हमारा विकास मंच बेगमगंज ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था रंग पंचमी के उपलक्ष्य में, एक विराट राष्ट्रीय कवि सम्मेलन गांधी बाजार में आयोजित हुआ। उसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि नगर बेगमगंज में राजनीति से, संप्रदाय से, जात पात से और व्यक्तिवाद से ऊपर उठकर नगर बेगमगंज के विकास के लिए आम नागरिक, आम जन अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर नगर बेगमगंज के विकास के लिए, नगर बेगमगंज के लोगों के, युवाओं के रोजगार के लिए, नगर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, नगर की छोटी छोटी सी समस्याओं को उठाने के लिए, प्रशासनिक अव्यवस्थाओं की वजह से जो भी समस्याएं पैदा होती हैं उन समस्याओं को सरल रूप से निपटाने के लिए एक विकास मंच बनाया गया था और उसका उद्देश्य। हमारे संवाददाता भरत सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। सैनिक सम्मान समारोह में देश के प्रसिद्ध कवियों ने जगाया देशभक्ति का जोश, काव्य सुनकर नम हो गई श्रोताओं की आंखें। बेगमगंज होली के रंग पंचमी के अवसर पर बेगमगंज विकास के तत्वाधान में भारत के वीर सपूत शहीद सैनिकों के सम्मान में रविवार रात्रि में नगर के हृदय स्थल गांधी बाजार की विराट राष्ट्रीय कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के प्रसिद्ध नामी कवियों ने भाग लिया। अपने काव्यों के कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर नगर में देशभक्ति का माहौल बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत हमारा बेगमगंज विकास मंच के सदस्यों के द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित और कवियों के द्वारा मां सरस्वती वंदना कर कवि सम्मेलन आरंभ किया गया, जिसके उपरांत समिति सदस्यों द्वारा सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोकुल प्रसाद विश्वकर्मा व पूर्व सैनिक राजेंद्र सिंह एवं अजीम अली, दिनेश गुप्ता, रूपेश साक्या, सुरेंद्र सारस्वत गैदगंज व सैनिक शहीदों के परिवारों को साल श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। तत्पश्चात समस्त कवि एवं नगर के गणमान्य लोगों का हार फूल माला पहनाकर स्वागत किया। फिर शुरू हुआ कवियों का सिलसिला। ब्राट कवि सम्मेलन में भोपाल से आए कवि मदन मोहन समर ने सैनिकों के सम्मान में अपने काव्यों की प्रस्तुति देकर देशभक्ति का माहौल बना दिया और युवाओं में जोश भरने के लिए कविताओं के द्वारा देश के प्रति जोश और जज्बा भरकर लोगों में जान डाल दी। उनकी कविताओं को सुनकर प्रतीत हो रहा था मानो हम देश की सीमा पर सैनिक बनकर जंग लड़ रहे हैं। वहीं प्रसिद्ध कवि मासूम ने अपनी कविता की एक दीप का है जन्म अंधेरा मिटाने के लिए, सीप का है जन्म मोती को बनाने के लिए, और गरज कर वीरांगना की कोख का बोला लहू पालने में लाल सोया सर कटाने के लिए। वंदना भी करेंगे। एक बार मैं कवि सम्मेलन का परिचय कर दूं। ये कवि सम्मेलन प्रारंभ होना चाहता, बिल्कुल तनाव की मुक्ति से हट जाना, आनंद के मूड में रहना, मस्ती के मूड में, ये छोरा भी नहीं मान रहा। हो गई तेरी बेटा जय लक्षण तो होंगी नहीं। बहुत बढ़िया सुनी जी, बधाई देता हूँ आपको। राष्ट्रपति जी ने सम्मान किया, हमें लुगाई नहीं कर रही है। आदमी परेशान चल रहा है बेगमगंज में, घरवाली नहीं सुन रही, इनका राष्ट्रपति ने सम्मान कर दिया। और ऊपर से सुन, अगर एक दो होते तो जाने कितने सम्मान हो जाते। हाँ जरा जोरदार ताली बजा के मस्ती के मूड में जाना। कभी सम्मेलन प्रारंभ होना चाहता है। इस जगह हमारे बीच दिनेश याग्निक का आपने नाम सुना होगा, बहुत बढ़िया जरेटा है। सच बता रहा हूं, कहीं भी फंसा दो, जहां बिरवाई में जरूरत है वो फंसा दो। देश का एकमात्र ऐसा कवि जिसने बहुत कम समय में पूरे हिंदुस्तान में अपनी भाषा का, आपके देगांव का और रायसेन का नाम बहुत ऊपर किया। अगर आपको लगता है कि इस आदमी के चक्कर में भी ताली बजाना चाहिए तो बजा दो। दिनेश भाई तुम्हारी तो अच्छी टीआरपी है यार, भाभी फालतू में नालायक नालायक कहती है। उसके बाजू में अनमोल रतन, पिछले दिनों सांची के पास एक खुदाई हुई थी, उस खुदाई में दो रत्न निकले थे, एक को गवर्नमेंट ने ले लिया, दूसरा हमारे बीच छोड़ दिया। वो छोड़ा हुआ कभी
देश में बुंदेल की रचना को, बुंदेली कविता को हास्य के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में और देश में इंद्र ठाकुर के साथ पहुंचा रहे हैं हम उन्हें आदरणीय सुरेंद्र श्रीवास्तव के। अच्छे से खड़े हो जाओ, अपन को थोड़ी घुटने में चोट है। हाँ बहुत बढ़िया। एक और इंद्र भास्कर एक बड़ी मुहिम चला रहा है नए लोगों के लिए और पुराने भी बड़े लोग आ रहे हैं कवि दरबार में उनका जो संचालन कर रहे हैं और देश के पैरोडीकार बंबई में रहकर इनने कई फिल्मों के लिए गीत लिखे। जिस दिन फिल्मों के लिए इनने गीत लिखे वो पिक्चर ही नहीं आई और वो पिक्चर है मेरे पास आई। बोला भाई साहब आप लिखो, आप बड़े रचनाकार हो। मैंने कहा कहां सुनने जी। हाँ पानी मान, केवल पानी की व्यवस्था करना, संडे है आज, संध्या करो, मेरा मन खराब हो जाता कोई पानी बोले 10 बजे के बाद। है अपन तो टोटल रेगमगंज गैरतगंज के आदमी, जब तक एक दो पेट ना मिले अपन शुरू नहीं हो पाता। बहुत बढ़िया। हमारे भी मुकेश मासूम है अपनी जीर्ण शरीर के द्वारा खड़े होकर बता दो तो तुम हो। ये अपनी पति का पत्नी का इकलौता पति है, बहुत बढ़िया कवि है और मैं करूंगा इन चारों में जो अपने नवोदित है बहुत अच्छा पढ़ा अपने कवि दरबार में, जरूर बुलाना, कसम खाना ठीक से कसम खाना। उसके बीच अभी जिनने माँ सरस्वती की वंदना की, बहुत मीठा स्वर है जिनका देश के अंदर उनकी आवाज की मिठास पूरे देश में चल रही है, आदरणीय संगीता सरल जी। मैंने तो खुद इनसे पूछा, मैंने कहा आपकी इतनी मीठी आवाज क्यों है, बोले नेपाली जी 6 साल लगातार कोयल के अंडों का आमलेट खाया है। अरे मैंने कहा सही किया आपने, क्योंकि हमारे बाजू में जो एक आइटम फंसा है, मात्र एक बाल कवि देश के अंदर, एक बाल कवि जिसने किसी का आमलेट मामलेट नहीं खाया, डायरेक्ट की कोयल खा ली। वो सर कहते हैं भाई जलाल मेकर्स, एक बार उनके सम्मान भी दो ना, हाथ खोल के ताली खड़े हो जाओ, तुम थोड़ी पार्षद से चुनाव लड़ रहे हो और हो गए तो जमानत जब्त हो जाएगी है। बहुत बढ़िया। एक नाम और हमारे बीच आया है राय बरेली से, वही बरेली के पास जहाँ झुमका गिरा था इन दिनों बड़ा संघर्ष। झुमका गिरा था बेटा, मैं खुद गिरा के आया था, तुझे पता ही नहीं है। हम गैरतगंज बेगम राजसंगंज वाले कोई चीज है तो हम तो पीछे चले जाए ग्वालियर तक, तू तो बरेली की बात कर रही है। नाजुक कोमल, उसे बेचारी को मालूम नहीं दोनों का मतलब एक ही होता है। वैसे तुझे नाम बिल्कुल टिटे ही रखना था जिस हिसाब से तू दुबली है। और एक नाम इस मध्य प्रदेश की धरा को एक ऐसा नाम मिला, हर साल लाल किला जिसे आवाज देता है बड़े सम्मान के साथ, ऐसा कोई चैनल नहीं है, ऐसी कोई ओज की वाणी नहीं है, जो ईमानदारी से ओज की कविता करते हैं और ईमानदारी से जनसेवा करते हैं, पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी हैं। मेरा मन है आदरणीय चौधरी समर जी के लिए, दोनों हाथ आकाश में खोलकर ताली बजा दीजिए। बहुत बढ़िया भाई साहब, भगवान ने कहा तो हम किसी बड़े नेता के रूप में भी देखेंगे आपको, 3-4 साल रिटायरमेंट के बच्चे इनके। मुझे तो टेंशन ही है, मुझसे बजट ना मांग ले के नेपाली चुनाव के लिए दे। मैं पूछ रहा था, बोले तुम मुझसे क्यों मांगेंगे। मैंने कहा कमाया वमाया तो है नहीं भाई साहब, आप ईमानदार हो, पूरा पैसा मेरे पास ही है, आप देख के ही समझ गए मैं पैसे वाला हूँ। हालांकि ताजा ताजा करोड़पति हूँ भाई साहब मैं। एक बार नए लोगों के सम्मान में भी ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छा पढ़ा आप सब ने, आपने बहुत अच्छा पढ़ा श्रीवास्तव जी, क्या नाम है आपका। बहुत अच्छा, आप यही गैरत बेगमगंज के हो, मैं देख के समझ गया था, लोग रुक रहे थे तब भी नहीं रुक रहे थे, मैं समझ गया लोकल आदमी यही है और भगवान यहाँ का आदमी नहीं रुकता। और मैं तो कसम खा रहा था, जिन लोग जोर से सारा नहीं करते तो तीन चार और पेलते हैं, जब तक एक आध और खिसक गया तब तक। बहुत बड़े ओरिजिनल आदमी, ऐसे ही रहना दोस्त, की बात बड़ी अपन लोग तो बड़ी है, जिन लोग समझ नहीं पाएंगे क्या। बेगमगंज साहब बधाई देता हूँ मैं आप सबको कि आप उत्तर प्रदेश में लेंगे। हेलो, बता रहा हूँ जी सब, मैं कहना चाहूंगा कि बड़े बड़े शहरों को अब हमने पहचान लिया है और सबसे पहले भोपाली को अब्बा मान लिया है और हर नवाब बेगम को लेकर चूना चाट लिया है और नेपाली नमकीन कहीं का हमको डांट लिया है। बहुत बढ़िया बढ़िया, हो गई तुम्हारी, किसके भरोसे छोड़ा है, तुम्हारे लखन से ही नहीं यार, या तो पड़ोसी ईमानदार या भाभी। बहुत बढ़िया, माइक छोड़ा लो इस आदमी का, ये आदमी किसी काम का नहीं बचा, बहुत शरीफ आदमी श्रीवास्तव तो वाकई शरीफ होते हैं भगवान के साथ, इतना शरीफ आदमी तो देखे नहीं। सही बता रहा हूँ, आप भी तो श्रीवास्तव हो, इतने संस्कारी, शादी के 3 साल तक लगातार घरवाली से दिबेंगी, ये संस्कार केवल तुम लोगों में पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया, मेरे मित्र भी खड़े हैं यहाँ पर, ये कवि सम्मेलन प्रारंभ होना चाहता, आनंद होना चाहता, ये सब राष्ट्रीय स्तर के कवि है हमारे, समर जी, नाजुक जी, माजुक जी, ये सब राष्ट्रीय स्तर के कवि है, मैं अंतरराष्ट्रीय हूँ। अगर थोड़ी सी भी शर्म आपके हाथों में बची हो तो मेरे सम्मान में भी एक बार जोरदार हाथ खोल दीजिए। मैं लक्ष्मण नेपाली, इंटरनेशनल कवि, बड़ा कवि, ज्ञानी कवि,
इनसे ज्यादा, जितनी इनके पास डिग्रियां उतने साल तो मैं अकेला फेल हो गया। मेरे पिताजी भी बहुत इंटेलिजेंट समर जी, वो दसवीं में केवल दो बार मॉनिटर बने थे, तीन बार। मैं शुरू से कभी सम्मेलन प्रारंभ करना चाहते हैं, हम ठाकुर तक जाना चाहते हैं, मेरा मन है मासूम जी के लिए जोरदार हाथ खोल के बताइए। आइए मासूम जी।